Hello students and welcome to today's lecture. Today I am going to teach you chapter number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. ये NCERT class 8th English Honeydew का lesson number 4 है. तो इसमें comprehension check के जो questions हैं उसमें question number 1 Why did the man stare at Bipin Babu's disbelief? तो जो आदमी था वो बिपिन बाबू की डिसबिलीव पे क्यों स्टेयर कर रहा था, मतलब उसको ऐसे में उसकी तरफ घुर के क्यों देखा कि जब बिपिन बाबू को बिलीव नहीं हुआ उस चीज़ के ऊपर. द मैन परिमल घोष वॉज टेकन अबैक बाय बिपिन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम. द मैन परिमल घोष वॉज टेकन बैक व्हेन बिपिन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम. तो जो परिमल घोष था वो उसे एकदम एक अजीब से लगा, जैसे कि एक धक्का सा लगा कि इन्होंने बिपिन ने मुझे पहचाना क्यों नहीं. ही डिडंट बिलीव दैट बिपिन हैड अ लैप्स ऑफ मेमोरी. तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि जो बिपिन है उसकी याददाश्त चली गई है या उसकी याददाश्त में एक लैप्स आया है. Where did Bipin Babu say he went in October 58? तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वो अक्टूबर 58 में कहाँ गया था. बिपिन बाबू said that in October 58 he was in कानपुर. तो बिपिन बाबू ने कहा कि अक्टूबर 1958 में मैं कानपुर में था. Mention any three or more things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू. तो ऐसी कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें बताओ जिसमें कि परिमल घोष जो है बिपिन बाबू के बारे में जानता था. परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड. तो परिमल घोष जो था उसे ये पता था कि बिपिन बाबू की बीवी मर चुकी है. एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची ल्यूनेटिक असाइलम. और जो उसका ब्रदर था बिपिन बाबू का वो भी रांची में उसी साल ल्यूनेटिक असाइलम में मर गया था. ही आल्सो न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक्स. और उसे इस बात का पता था कि बिपिन बाबू के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हें तो अपनी किताबों से प्यार है. तो अगला है कॉम्प्रिहेंशन चेक. जो अगला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन था उसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वट परिमल घोष हैड सेड. तो बिपिन बाबू को वरी क्यों हुआ जो जिन बातों को परिमल घोष ने कहा, जो बातें परिमल घोष ने कही उनसे बिपिन बाबू क्यों घबरा गए या वरी करने लगे. तो बिपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष. तो मतलब इतनी अंदर तक की जानकारी थी परिमल घोष को बिपिन बाबू की ज़िंदगी की कि उससे वो थोड़ा सा पीछे हटा. देयर सी डिड नो रीज़न वाई ही शुड टेल अ लाई. तो इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं लगा कि वो क्यों ऐसा झूठ बोले. ही वंडर्ड इफ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची. तो वो उन्हें ऐसा नहीं लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो झूठ बोलेगा, मतलब इस बात से क्या झूठ बोलेगा वो. एंड उन्हें इस बात से सोच होने लगी कि क्या वो सच में उनकी रांची की विजिट को भूल गए. हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट हिज मेमोरी और परिमल घोष. तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि क्या सही है क्या गलत है, भाई उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष सही है. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पजल अबाउट हिज विजिट टू रांची बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी. परिमल हैड सेड दैट मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. तो इस पहेली को सुलझाने के लिए भी मैं रांची गया था या नहीं, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी से बात करूँगा या उनसे संपर्क करूँगा, क्योंकि परिमल ने कहा था कि मुखर्जी भी रांची में ही थे उस वक्त में. क्वेश्चन नंबर 3 है Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? तो बिपिन बाबू
हेजिटेट क्यों कर रहे, हिचकिचा क्यों रहे थे मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए? वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फ़ोन हिम? और अंत में उन्होंने ये फैसला क्यों लिया कि मैं उन्हें फ़ोन करूँगा? बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी थिंकिंग दैट इट वुड बी रिडिकुलस इफ़ ही हैड रियली विजिटेड रांची। तो बिपिन बाबू इसलिए हेजिटेट कर रहे थे मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए, उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने सच में रांची वो गए थे तो ये कितना अजीब होगा कि भाई मैं उनसे जाके मुलाकात करूँ। मतलब वो हिचकिचा रहे थे एक तरीके से, आप ये मान सकते हैं, उन्हें एक लज्जा टाइप की आ रही थी। मुखर्जी वुड थिंक बिपिन बाबू हैड गॉन मैड। तो मुखर्जी है वो ये सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। हैंस बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कन्फ्रंट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज? तो वो बिपिन, इन्होंने मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, क्या उससे उन्हें कंफर्ट मिला या फिर उनकी चिंताएं और बढ़ गई बिपिन बाबू को? मुखर्जी डिडंट रिप्लाई क्लियरली। मुखर्जी ने पूरी तरीके से अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस। पर उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं दो बार रांची गया हूँ। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप। परंतु वो उस ट्रिप के बारे में श्योर नहीं थे। बिपिन बाबू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो। और बिपिन बाबू जो थे वो मतलब जानना चाहते थे कि भाई मेरे को सही सही बताओ। इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड, ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। और इससे क्या हुआ, उन्हें वो और दुविधा हो गई और उनका खाना पीना छूट गया। अगला कंप्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर है, हु वॉज चुनीलाल, वट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू? तो चुनीलाल कौन था या चुनीलाल कौन है और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता है? चुनीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। चुनीलाल जो है वो बिपिन बाबू का एक पुराना मित्र था। ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। और वो नौकरी दिलवाने में बिपिन बाबू की मदद चाहता था। वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, वट वॉज अनयूजल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमरी? तो डॉक्टर चंदा पजल क्यों थी और ऐसा क्या अजीब था इस चीज़ में कि बिपिन बाबू की जो मेमोरी है वो चली गई, इसमें क्या अनयूजुअल था? अनयूजुअल मतलब यूजुअली जो ऐसा नहीं देखा गया हो भी इस तरीके से किसी की याददाश्त चली जाए। तो परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन। परेश चंदा जो हैं वो एक यंग फिजिशियन, यंग डॉक्टर हैं। ही हैड नेवर डेल्ट अ केस ऑफ मेमोरी लॉस। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी याददाश्त चली जाने का केस नहीं हैंडल किया था। सो ही वॉज पजल्ड, इसलिए वो दुविधा में थे या पजल थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ही गेव अ सजेशन टू बिपिन बाबू टू विजिट रांची अगेन। तो उन्होंने एक सजेशन दिया बिपिन बाबू को कि क्यों ना आप दोबारा एक बार रांची जाके आइए। अगेन कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो अगला, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची? तो क्या बिपिन बाबू ने सच में उनकी याददाश्त चली गई थी और उन्होंने जो रांची के ट्रिप के बारे में वो सब कुछ भूल गए थे? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। ही फाइनली रिकलेक्टेड हिज मेमोरी एंड एडमिटेड दैट ही हैड विजिटेड रांची इन 1958। तो बाद में उनकी याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ मैं रांची गया था 1958 में। Why do you think चुनीलाल did what he did? चुनीलाल says he has no money. What is it that he does have? तो आपको क्या लगता है कि चुनीलाल ने जो किया वो क्यों किया? चुनीलाल ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ऐसा क्या है जो चुनीलाल के पास है? चुनीलाल wanted some money from बिपिन बाबू। चुनीलाल जो है बिपिन बाबू से कुछ पैसे चाहता था, his old friend, उनका पुराना दोस्त। So he went to him for help। तो वो उनके पास मदद के लिए गया। He assured बिपिन that the term of his fortune would be back again। और उन्होंने बिपिन को ये आश्वासन दिया कि उनकी किस्मत दोबारा चमकेगी। चुनीलाल had no money, but he had mind and wit। चुनीलाल के पास पैसा नहीं था परंतु उनके पास दिमाग था। Working with the text,
इसमें है क्वेश्चन नंबर वन, द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, वट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। तो जो लेखक हैं वो बिपिन बाबू को एक बहुत ही सीरियस और हार्ड वर्किंग मेहनती आदमी बताते हैं, और इस बात का आपको क्या सबूत या क्या प्रमाण मिलता है इस कहानी में। तो आंसर है बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। तो बिपिन बाबू एक सीरियस ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फेलो हैं थे। ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली, वो रोज़ ऑफिस जाया करते थे। ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे जॉब कर रहे थे। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, बींग सीरियस माइंडेड ही डिडंट वेस्ट टाइम इन आइडल चैट। तो जो लोग बैठ के ऐसे इधर उधर की बेकार बातें करते हैं वो उन लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते थे, और वो एक सीरियस दिमाग के आदमी थे। ऐसे खाली मतलब फालतू की बात बैठ के वो उन्हें करना पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर टू है, वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। तो बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलने के लिए अपने दिमाग को क्यों बदला। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग, इस मीटिंग का रिजल्ट क्या था। बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज्ड टू मीट चुन्नीलाल, बिपिन बाबू ने पहले चुन्नीलाल से मिलने को मना कर दिया। ही वॉज इन नो मूड टू हेल्प चुन्नीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल, और वो चुन्नीलाल को उसकी उस विपदा से बाहर निकालने का उनका कोई मन भी नहीं था। बट ही चेंज्ड हिज माइंड सून, परंतु उन्होंने अपना दिमाग बदल लिया। ही थॉट चुन्नीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1958। उन्हें लगा कि चुन्नीलाल को उन्होंने जो ट्रिप किया था 1958 में रांची का, उसके बारे में कुछ पता होगा। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हंड्रो फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस। तो बिपिन बाबू जब होश चला गया था उनको हंड्रो फॉल पे, इसका कारण क्या था। बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप्ड नियर हंड्रो फॉल्स दैट मेड हिम अनकॉन्शियस, तो वो वहाँ पे शायद फिसल गए होंगे जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गए थे। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैज़ ट्रिक्ड हिम। तो उन्हें बिपिन बाबू को क्या लगा, ऐसा कैसा लगा होगा जब उन्हें पता लगा कि चुन्नीलाल जो है उनको ऐसे बेवकूफ़ बना गया। बिपिन बाबू फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज्ड टू हेल्प चुन्नीलाल। ही सॉ थ्रू चुन्नीलाल्स ट्रिक टू टेस्ट हिम एंड लर्नड अ लेसन। बिपिन बाबू का पहला रिएक्शन जो था वो था कि उन्होंने रिग्रेट किया कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया चुन्नीलाल को हेल्प करने से, और उन्होंने चुन्नीलाल की जो ट्रिक थी उसको देख के उसका टेस्ट लिया, और उसे उन्होंने एक लेसन भी लर्न किया, मतलब एक तरीके से सीख ली उस चीज़ से। ये है ना, ये वाला लर्न अ लेसन वर्किंग विद लैंग्वेज है। इसमें हम लोग लुक एट दिस सेंटेंस, तो हम इसमें देखेंगे, ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द बुक थ्रू द वीक। तो उन्हें 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी जिससे कि वो अपने एक हफ्ते में ख़त्म करते थे। बिपिन हैड टू आस्क चुन्नी टू लीव, बिपिन ने चुन्नी को जाने के लिए कहना पड़ा। हैड टू इज़ यूज टू शो दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर बिपिन टू डू समथिंग, और जो यहाँ पे हैड टू है वो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो ये जो भी चीज़ थी वो बिपिन बाबू के लिए कितनी ज़रूरी थी ये चीज़ करना। हैड टू जो भी बताया यहाँ पे, हैड टू बाय, हैड टू आस्क, ये वाला। ही हैड नो चॉइस, वी कैन ऑल्सो यूज़ हैव टू, हैज़ टू इन द सेम वे। तो इसमें हैव टू और हैज़ टू भी लग सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू, हैव टू, हैज़ टू। तो पहला है, आई हैव टू कट माई हेयर्स एवरी मंथ। वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। तो मुझे पहले का हिंदी है कि मुझे हर महीने अपने बाल काटने पड़ते हैं, कटाने पड़ते हैं या काटने पड़ते हैं। आई हैव टू कट माई हेयर्स एवरी मंथ, मुझे अपने बाल हर महीने काटने पड़ते हैं। वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन्स
लास्ट ईयर, हमें पिछले साल स्विमिंग लेसन्स के लिए जाना पड़ा। शी हैड टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, उसने प्रिंसिपल को सच्चाई बता दी। दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, उन्हें जो बेबी है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस, तो हमें पुलिस को इस आवाज़ की शिकायत देनी पड़ेगी। रोमिट हैड टू फिनिश हिज वर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, तो रोमिट जो है उसको अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, फिनिश होमवर्क ख़त्म करना पड़ेगा बिफोर उस, ताकि वो बाहर आके खेल सके। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर वन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके, उसका व्हाट वाज बिपिन बाबूज हॉबी, व्हाट वुड ही डू एवरी मंडे, तो बिपिन बाबू की हॉबी क्या थी और हर सोमवार वो क्या करते थे। बिपिन बाबूज हॉबी वाज रीडिंग बुक्स, बिपिन बाबू की हॉबी थी किताबें पढ़ना। एवरी मंडे ही वुड परचेज बुक्स ऑफ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर, थ्रिलर्स फ्रॉम कालीचरण शॉप, तो हर सोमवार को वो बुक खरीदा करते थे, क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, थ्रिलर वगैरह कालीचरण की दुकान से। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज बिपिन बाबू, बिपिन बाबू वाज अ लोनर, ही वाज नॉट अ गुड मिक्सर, ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड ही डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स, बिपिन बाबू जो हैं एक अकेला रहने वाले आदमी थे, जो अकेलेपन पसंद था, वो एक अच्छे मिक्सर नहीं थे, मतलब लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे, उनके दोस्त भी कम थे। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चिट चैट, आइडल चैट और जो ऐसे ही बेकार की बातें होती हैं, मतलब जो कि नॉन प्रोडक्टिव बातें जिनका कोई अर्थ नहीं होता जीवन को अच्छा बनाने में, उनको बोलते हैं आइडल चैट, तो उस तरीके से वो नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट वाज बिपिन बाबू श्योर अबाउट, तो बिपिन बाबू किस बात को लेके श्योर थे। बिपिन बाबू वाज श्योर दैट ही हैड नॉट विजिटेड रांची इन 58 ड्यूरिंग दी पूजास, तो बिपिन बाबू इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि वो 58 की पूजा में रांची नहीं गए। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ कैन यू से दैट बिपिन बाबूस एनकाउंटर विद परिमल घोष मेड हिम रेस्टलेस, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिपिन बाबू जब बिपिन बाबू परिमल घोष से मिले तो वो छटपटा उठे, रेस्टलेस हो गए। बिपिन बाबूस एनकाउंटर विद परिमल घोष मेड हिम रियली वेरी रेस्टलेस, तो वो बिपिन बाबू से जब मिले तो वो काफ़ी रेस्टलेस हो गए थे। रेस्टलेस मतलब जब उन्हें भाई कोई चीज़ बार बार परेशान करे या फिर आप अच्छे आराम से नॉर्मल नहीं रह पाएँ उस तरीके से। इवन इन द ऑफिस ही नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आर हिज एनकाउंटर विद परिमल घोष वॉज अकरिंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, तो वो उन्होंने नोटिस किया कि इन अपने ऑफिस में भी दैट एवरी पासिंग आर मतलब हर बीतते हुए समय के साथ, घंटे के साथ उनकी परिमल घोष से जो मुलाकात हुई थी वो ज़्यादा ही ज़्यादा उनके दिमाग पे चढ़ के आ रही थी। क्वेश्चन फाइव, व्हाई कुडंट बिपिन बाबू इग्नोर दैट परिमल घोष हैड सेड टू हिम, व्हाई कांट बिपिन बाबू इग्नोर व्हाट परिमल घोष हैड सेड टू हिम, तो बिपिन बाबू जो हैं वो कैसे इग्नोर नहीं कर पा रहे थे जो बातें परिमल घोष ने उनसे कही। इट वॉज बिकॉज परिमल घोष न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि परिमल घोष जो है उसको उनके बारे में काफ़ी बातें पता थी। ही न्यू अबाउट हिज वाइफ्स डेथ हिज ब्रदर्स इंसैनिटी, तो वो इस बात को लेके उन्हें पता था कि भाई उसे पता है, परिमल घोष को पता है उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनके भाई के पागलपन के बारे में। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट हिम, अगर वो आदमी इतना उनके बारे में जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो ऐसा कैसे गलती कैसे कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में कि मैं रांची गया हूँ उसने मुझसे कहा, जबकि वो ये दिमाग में उनके चल रहा था कि वो रांची नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट वॉज रॉन्ग विद बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के साथ क्या गड़बड़ थी, क्या दिक्कत थी उनको। व्हाट डिड डॉक्टर चंद्रा सजेस्ट हिम, डॉक्टर चंद्रा ने उन्हें क्या सजेस्ट किया। ही हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन अबाउट हिज विजिट टू रांची, तो वो जो है पूरी तरीके से भूल गए थे जो उनका विजिट हुआ था रांची में उसको। डॉक्टर चंद्रा सजेस्टेड हिम टू गो टू रांची वंस अगेन इन ऑर्डर टू गेट बैक हिज
लॉस्ट मेमोरी। तो डॉक्टर चंदा ने उनसे कहा था कि आप एक बार रांची चले जाइए और आपकी याददाश्त जो है वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट वाज बिपिन चौधरीज एलमेंट और प्रॉब्लम, वाज इट रियल और डेलिब्रेट? तो जो बिपिन चौधरी थे उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो सच था या वो ऐसे ही बस मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे? बिपिन बाबू वॉज अ लोनली मैप, तो बिपिन बाबू जो है वो अकेले रहा करते थे या एक अकेले टाइप के इंसान थे। हिज वाइफ हैड डाइड सम 10 ईयर्स अगो, उनकी पत्नी जो है करीब 10 साल पहले चल बसी थी। हिज एलमेंट वॉज द लैप्स ऑफ मेमोरी, और उनकी जो बीमारी थी वो याददाश्त चले जाना था, उनकी याददाश्त चली गई थी। ही क्लियरली फॉरगॉट दैट ही हैड बीन टू रांची इन 58, और वह भूल गए थे कि वो सन 1958 में रांची गए थे। नथिंग कुड रिवाइव हिज मेमोरी, कुछ भी उनकी याददाश्त को वापस नहीं ला पा रहा था। फाइनली ही हिट अगेंस्ट सम रॉक इन रांची एंड बिकम अनकॉन्शियस, और वो रांची में एक पत्थर से टकराए और बेहोश हो गए। ऑन रिटर्निंग होम ही रिसीव्ड चुनीलाल्स लेटर, वो जब घर आए तो उन्हें चुनीलाल का लेटर मिला। द लेटर हैड एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट एंड बिपिन बाबू फेल्ट रिलैक्स्ड, और जो वो लेटर था उसमें उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ और बिपिन बाबू को रिलैक्स फील हुआ। हु वॉज चुनीलाल, वट इज़ हिज रोल इन द स्टोरी, तो चुनीलाल कौन है और कहानी में उसका क्या काम है? चुनीलाल हैड वॉन्स बीन बिपिन बाबूज स्कूलमेट, चुनीलाल जो है वो बिपिन बाबू का स्कूलमेट रहा है। ही वॉज फेसिंग हार्ड टाइम एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और उसके ऊपर अभी बहुत परेशानी जीवन में झेल रहा था और एक जॉब ढूंढ रहा था। ही कॉल्ड ऑन बिपिन विद होप टू गेट हेल्प, तो उन्होंने बिपिन को जब उन्होंने कॉला या मिले या बात की तो वो हेल्प की या मदद की इच्छा रख रहे थे। बट बिपिन इवन रिफ्यूज्ड टू सी हिम, तो बिपिन ने उनसे मिलने तक के लिए मना कर दिया। लेटर चुनीलाल कन्फर्म्ड बिपिन बाबू विजिट्स टू रांची, और उसके बाद चुनीलाल ने बिपिन बाबू की जो विजिट है रांची को उसको कन्फर्म कर दिया। ही रिकॉल्ड सेवरल इंस्टेंसेस इन हिज सपोर्ट बट बिपिन वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो उन्होंने अपनी जैसे इस बात को सत्यापित या सच करने के लिए जो कि कुछ ऐसे इंस्टेंस भी बताए, भी ऐसे हुआ था फिर वैसे हुआ था, अब यहाँ गए यहाँ हुआ, इस तरीके से जैसे हम बताते हैं किसी को, पर बिपिन जो हैं वो इस बात से कन्विंस नहीं थे, उनको इस बात से विश्वास नहीं हो रहा था। अ लेटर फ्रॉम चुनीलाल गेव सच अ न्यूज़ दैट बिपिन बिकेम ऑल राइट, तो वो एक लेटर आया चुनीलाल की तरफ से, उसमें ऐसी खबर थी कि जिससे बिपिन जो है ठीक ठाक हो गए। द न्यूज़ वॉज दैट चुनीलाल्स नोवल हैड बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, तो वो खबर ये थी कि चुनीलाल का जो नावल है उसे पब्लिश करने की या वो छपने की एक्सेप्टेंस मिल गई थी, भी अब वो छपेगा। एंड ही वुड गेट अ हैंडसम अमाउंट, और उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे, इसे आप पढ़ेंगे और अपनी बुक से भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम था बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।